तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आप किस प्रकार से किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और अपने डिवाइस का जो सीपीयू होता है उसको बहुत ही आसानी से ओवरक्लॉक ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आपको स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड कर ले ली है। जी हां दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको वो स्क्रिप्ट फाइल देखने को मिल जाएगी। इस स्क्रिप्ट फाइल की मदद से दोस्तों हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस को ओवर क्लॉक करेंगे विदाउट रूट। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सिंपली से अपना कोई भी सा फाइल मैनेजर एप्लीकेशन कर लेना है ओपन। मैं जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को कर लेता हूं दोस्तों ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर से जहां पर भी अपने उस फाइल को डाउनलोड कर रखी है उसको तो आपको सिंपली से लोकेट करा लेना है। मैं करा लेता हूं दोस्तों डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर उस फाइल को लोकेट। तो जी हाँ दोस्तों, वो जिप फाइल आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। इस जिप फाइल को दोस्तों सिंपली से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको चले लाना है आपको डिवाइस स्टोरेज पे। डिवाइस स्टोरेज पे आने के बाद दोस्तों प्लस के सिंबल पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक आप जैसे ही करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से आपको न्यू फोल्डर पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों, न्यू फोल्डर का आपको नेम देना है सीपीयू। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू आपको कैपिटल में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको नया सा फोल्डर क्रिएट कर लेना है। देन दोस्तों इसमें कर देना है आप उस जिप फाइल को पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको कर लेना इसको सिंपली से एक्सट्रैक्ट। हियर एक्सट्रैक्ट आप जैसे करेंगे दोस्तों, अलग सा फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। देन दोस्तों अगेन आपको मॉड्यूल फोल्डर देखने को मिल जाएगा, उसको आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। देन दोस्तों दो SH की फाइल आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इन दोनों फाइलों को दोस्तों आपको सिंपली से कर लेना है सेलेक्ट। जी हां दोस्तों, सेलेक्ट करके आपको कर लेना है इन दोनों फाइलों को कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों अगेन सीपी वाले फोल्डर आपने जो न्यू बनाया है उसमें अगेन दोस्तों यहां पर कर देना है आपको पेस्ट। जी हां दोस्तों, सीपीयू के मेन फोल्डर पे आपको कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर देना इन दोनों SH की फाइलों को। अब दोस्तों सिंपली से आपको मैंने अगेन लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बार में, वहां पर से आपको क्वाटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जो कि दोस्तों प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको अपने डिवाइस में कर लेना है इंस्टॉल। जी हां दोस्तों, इंस्टॉल मैंने पहले से अपने डिवाइस में कर रखा है, डायरेक्टली मैं कर लेता हूं ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों जितने भी अलाउ एक्सेस की परमिशन है, फाइल एक्सेस की परमिशन है, वो दोस्तों आपको कंटिन्यू अलाउ एक्सेस करके दे देनी है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी परमिशन मैंने अलाउ एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। अब दोस्तों आपकी बात आती है कमांड डालने की। तो वो कमांड है दोस्तों हमारी SH space /ST card /CPU /frame boost.sh। जी हाँ दोस्तों, कोई स्पेलिंग आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीपीयू आपका कैपिटल रहेगा। देन दोस्तों स्लैश करके आप देख सकते हैं F हमारा कैपिटल है, फ्रेम बूस्ट हमारा B कैपिटल है। देन दोस्तों .SH, देन राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। देन आपका दोस्तों कमांड रन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेना है इसके कंप्लीट फ्लैशिंग होने तक। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुल हमारे फ्लैश हो चुका है। देन दोस्तों नेक्स्ट कमांड है हमारी SH space /ST card /CPU/RAM boost.sh। जी हाँ दोस्तों, रैम बूस्ट में आपका R कैपिटल रहेगा, देन B कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में। देन .sh आपको कुछ इस प्रकार से इसको भी रन करा देना है। रन आप जैसे कराएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं रैम बूस्ट की हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो दोस्तों फ्लैश होने स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इन दोनों स्क्रिप्ट फाइल को फ्लैश करा के इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा, ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुकी है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूले, क्योंकि इस प्रकार की कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।